यूपी के इंटरस्टेट गैंग यानी इज 191 का नाम तो शायद सुना हो। इसी गैंग का सरगना है हिस्ट्री शीटर मुख्तार अंसारी, जिसके जुर्म की हुकूमत सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि पंजाब और दिल्ली तक चलती थी। मगर एक के बाद एक अदालत के फैसलों ने इस माफिया सरगना के साम्राज्य की नींव हिला दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खौफ का दूसरा नाम बन चुका मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में अपने किए जुर्मों की सजा काट रहा है और फिलहाल उसकी सजा का कोई अंत नहीं है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, NSA जैसी संगीन धाराओं में करीब 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बीते दिनों में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ अदालत का एक और फैसला आया, जिसमें आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी अब रह रहकर उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में एक एक करके सजा मिल रही है। देखा जाए तो बीते 18 महीनों के दौरान इस माफिया को 8वीं बार सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी को फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी इस माफिया सरगना के लिए अब उम्र भर सलाखों के पीछे काटने का कानूनी बंदोबस्त कर दिया गया है। सबसे हैरत करने वाला पहलू ये भी है कि मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसका पूरा परिवार अब कानूनी जाल में पूरी तरह से फंसा नजर आ रहा है।